नमस्कार, मैं रवीना एमएनएस न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। सड़क हादसे में बीजेपी विधायक के भाई की हुई मौत, पत्नी को चरित्रहीन कहने पर साले ने ससुर को पीटा, जब मोदी ने कांग्रेस के लिए मांगे वोट। अब खबरें विस्तार से। यमुनानगर के सड़क हादसे में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के बड़े भाई की हुई मौत। हादसा रात 9 बजे करीब हुआ। बताया जा रहा है कि अपनी बाइक से घर जा रहे थे, तभी किसी भारी वाहन ने उन्हें कुचल दिया। यह वारदात दिल्ली के दर्शाई जाती है। सचिवालय में पुलिस कांस्टेबल द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है, जिसका कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। क्या था मामला? कांस्टेबल सोहनवीर को उसके ससुराल वाले ने बीच गली में जमकर पीटा था, उस दौरान यह घटना सामने आई है। आरोप है कि सोहनवीर का साला यूपी पुलिस में है, जिसकी वजह से पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। यहाँ तक कि सौ के पास सुसाइड नोट भी मिला, जिसके चलते कई खुलासे हुए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल ने कांग्रेस के लिए मांगे वोट, लोग भी चौंक गए। पीएम के हमशक्ल अभिनंदन पाठक ने बिलासपुर में कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।